इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए आचार्य डॉक्टर रामाधार ने कहा कि यदि आप आत्म कल्याण चाहते हो तो परमात्मा की शरण का आश्रय ग्रहण करो। आचार्य डॉक्टर रामाधर उपाध्याय ने कहा कि कलयुग में परमात्मा के नाम का चिंतन का विशेष महत्व है। कलयुग में केवल मानव परमात्मा के नाम का संकीर्तन करता रहे, नाम जप करता रहे और भगवान की कथा को श्रवण करके अपने आत्म जागरण का प्रकल्प कर सकता है। आगे आचार्य डॉक्टर उपाध्याय जी ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सबसे सरलतम भक्ति का मार्ग बताया है और भक्ति मार्ग का आश्रय ग्रहण करने का सबसे प्रबल साधन श्री रामचरितमानस है। रामचरितमानस एक ऐसा अद्वितीय मार्गदर्शक ग्रंथ है जिसके माध्यम से भवसागर से पार जाने में मानव के लिए बड़ी सहजता प्राप्त होती है। एक संपूर्ण जीवन दर्शन के रूप में रामचरितमानस प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। व्यक्ति को चाहिए कि सदाचरण करते हुए माता पिता गुरु का सम्मान करें, जो अपने से आयु में बड़े हैं उनका मान रखें, अतिथि सेवा गौ ब्राह्मण की सेवा करते रहें एवं जो उसके दायित्व हैं उनका निर्वाह पूर्ण निष्ठा लगन और ईमानदारी से करें तो उसकी मुक्ति सहज ही हो जाती है। रामचरितमानस सम्मेलन में कथा सुनने के लिए क्षेत्रीय विधायक रामपाल सिंह भी पहुंचे। उन्होंने श्रोताओं के साथ बैठकर कथा सुनी और व्यास गादी की पूजन आरती की। उसके साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक रघुवंशी, पूर्व मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला, राजेंद्र मामू, केशव राठौर, राजेश राय, संतोष रघुवंशी, कृष्णकांत आचार्य आदि उपस्थित रहे। ध्यान करते हैं, ये भी चाहते वो भी चाहते, इसको प्रज्ञापराध कहते हैं। प्रतिभा है, पहले मन रोगी होता है तब पीछे शरीर में रोग आता है।